अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे बादलों से। इतने माशाल्लाह हसीन लग रहे थे ना, इतना इनका पैटर्न प्यारा लग रहा था। मैं कह रही थी माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला की कुदरत है। मेरी बड़ी बहन कहती होती है अल्लाह ताला से नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए या मायूस नहीं होना चाहिए, वो तो इतनी कुदरत रखता है कि एक दिन एक जैसा पैटर्न होता है और दूसरे ही सेकंड में पैटर्न चेंज हो जाता है, दोबारा उस तरह का पैटर्न कभी नज़र नहीं आया। तो इतना ये प्यारा लग रहा था, शायद जो आंखों को नज़र आ रहा है वैसा शायद मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह ये प्यारा लग रहा था। तो जी, आज का दिन ऐसा है कुछ जी, बच्चों की एक तो कटिंग करवानी है, सेकेंड ये कि मैंने अपना बच्चों को लेके जाना है बाहर। तो मैंने कहा चले मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अपना पूरा देखिएगा, छोटा सा मेरा ब्लॉग है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और आप बताएं आपकी तरफ क्या हालात है गर्मी के, जो पाकिस्तान में है तो यहाँ पे तो बड़ी गर्मी है। इधर जी मेरा ईसा साहब बाल कटवा रहा है और मैं कहती हूँ ईसा से ज़्यादा कोई शरीफ बंदा तब नहीं है जब ये बाल कटवा रहा हो। पहली दफ़ा वैसे मैं तो इसको लेके गई थी, अदरवाइज इसके मामू ये सब लेके जाते हैं, लेकिन मैं पहली दफ़ा लेके गई थी तो बड़े ही शराफत से भी बैठा हुआ था। तो अभी जी हमारी 14 अगस्त स्टार्ट होने वाली है, हमारी क्या सबकी 14 अगस्त। तो ये लायलपुर गैलरिया लेके गई हूँ मैं बच्चों को, जाना है तो मैं और मेरी फ्रेंड साइमा हम गए हैं, उसके बच्चे और मेरे बच्चे। तो वहाँ पे ऐसे सेटअप सारा किया हुआ था, यहाँ पे बच्चे कहते हैं पिकअप एयर जाना, मैं कहा बाहर या फूका लिया गेंदा खेल लो, अंदर नहीं होता उन्होंने जान देना। ओके, तो बाहर ये खेल खूल रहे थे, यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया था और फिर हम इधर आ गए थे, यहाँ पे बच्चों ने खेला है। उसके बाद मूसा ईसा ने गाड़ी चलाई है, देखें और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, मेरे चैनल को सॉरी ब्लॉग को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे भी सबके साथ शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे साइमा थोड़ा सा ना मुझे तंग करने आई थी, सब मैं पहले इसकी वीडियो मैं बना रही थी, या आप इस तरफ आते ना ये मेरी वीडियो बनाने लगी, तो फिर मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी। मैंने कहा चलो किसी तसली नाल मेरी बना लो, मेरी शक्ल तुम्हें सही तरीके ना नज़र आवे ना। तो अब ना यहाँ पे एक फनी सीन ये था मूसा और ईसा का, ईसा कहता मैंने ये गाड़ी चलानी है, मैंने इसे कहा बेटा तुम आइसक्रीम खा लेना, अगर तुमने गाड़ी चलाई तो मैंने आइसक्रीम भी लेके देनी। कहते ठीक है मम्मा मैंने गाड़ी चलानी है, मैंने कहा चलो फिर चला लो। अब शुगल ये है कि इन्होंने सीट बिल्कुल आगे कर दी उन बंदों ने, लेकिन बेचारे का फिर भी वो ब्रेक और रेस पे पाँव ही नहीं जा रहा था। फिर मूसा साथ बैठा है, उसने रेस पे पाँव रखा है, फिर ईसा साहब गाड़ी को चला रहे हैं और हर 2 मिनट बाद ना ईसा पानी में डुबो रहा था गाड़ी को, हर 2 मिनट बाद। अब मूसा बेचारा चाह रहा था कि ये मुझे दे खेलने के लिए तो मैं इस गाड़ी को चलाऊं, लेकिन जैसे मूसा स्टेरिंग को, ये देखो मूसा को गुस्सा आ रहा था इस पर, मूसा स्टेरिंग को हाथ लगाता था ना तो ईसा को तक चढ़ती थी कि ये स्टेरिंग को हाथ क्यों लगा रहा है, तो ये इसको पीछे कर देता था कि तुम पीछे हो जाओ। एट दी एंड ना फिर ईसा ने खुद पकड़ के इसका हाथ, ये देखे खुद पकड़ के कहा कि ये लो मूसा तुम चलाओ, क्योंकि जब उसे लगा ना भी मेरे को काम नहीं हो रहा सूत्र, उन्होंने कहा चल भरा तू ये नहीं चला लो। और मूसा के स्टाइल फिर आप देखिएगा, एक हाथ से ऐसे स्टाइल मार मार के मेरा जवान काका चला रहा था, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह हुआ भला हुआ था। आपने कहा ना अपने बच्चे के तरीके करिए, वही सबको अपने अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह सभी अच्छे हैं। इधर मोहित ने भी अपना 200 ज़ाया किया माशाल्लाह, इतनी कुछ ठंडी दिन नहीं है, गेम थी ना ऐसे मस्तों की तरह बैठा हुआ था, ना हिल रहा था ना झुल रहा था, कुछ भी नहीं, बड़ी बोरिंग सी है। पता नहीं दूसरी कंट्रीज़ में वो कुछ सिस्टम इसका, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी बोरिंग लगी मुझे। तो चलें जी, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा ब्लॉग है देखिएगा और आगे भी सबके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।